नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर ग्राम छोटे डोंगर में 75वां स्वतंत्रता दिवस शासन प्रशासन के कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। बता दें कि नारायणपुर जिले के कई गांव ऐसे हैं नक्सलवाद प्रभावित इलाके कहे जाते हैं, बावजूद इसके अंदरूनी इलाके में सभी शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। लाल आतंक को दरकिनार करते हुए शान से तिरंगा फहराया गया। छोटे डोंगर SDOP अर्जुन कुर्रे ने सभी ग्रामीणों व छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों से कहा कि आज के बच्चे आने वाले समय में देश का भविष्य है। अच्छी पढ़ाई कर गांव व देश का नाम रोशन करते हुए देश की सेवा करें। वहीं अति संवेदनशील कहे जाने वाले क्षेत्रों में भी पुलिस की सतर्कता के चलते कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। स्कूली बच्चों के द्वारा पुलिस थाना, ग्राम पंचायत भवन व अन्य शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद सभी स्थानों पर मिठाई वितरण कर आज़ादी का जश्न मनाया गया। हालांकि राज्य सरकार के कोरोना गाइडलाइन के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रभात रैली का कार्यक्रम नहीं किया गया, परंतु ध्वजारोहण को लेकर छोटे डोंगर के ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। नारायणपुर छोटे डोंगर से ब्यूरो चीफ संतोष मजुमदार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।